भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के एक और इकलौते यंत्र ने कर डाला कमाल, यानी कि आदित्य L1 ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। सूर्यन का इंजन हुआ चालू और आदित्य L1 ने कर दिखा एक और कमाल। आदित्य सूर्यन लगातार सामने आई मुसीबत का सामना करते हुए वह पृथ्वी की कक्षा में आगे की ओर बढ़ रहा है। इसरो के वैज्ञानिक लगातार 24 घंटे सूर्यन पर नजर रख रहे हैं ताकि उसकी कक्षा को समय अनुसार बदला जा सके, नहीं तो एक छोटी गलती की वजह से सूर्यन को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आदित्य सूर्य के पास पहुंचने से पहले ही एक और कारनामा कर दिखाया है। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और साथ ही इस समय आदित्य सूर्यन कहां पर पहुंचा है इसके बारे में भी हम आपको जानकारियां देने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद इसरो अवश्य लिखना। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अपने पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को सक्सेसफुल गबायत बनाने की शुरू कर दी, जिसमें एक के बाद एक पड़ाव पूरे हो रहे हैं। जिस तरह इसरो की ओर से चंद्रयान 3 जुड़ी हर एक अपडेट शेयर की जा रही है, इस तरह आदित्य L1 से जुड़ी जानकारी भी इसरो शेयर कर रहा है। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C57 रॉकेट के जरिए आदित्य सूर्यन की सफल लॉन्च हुई थी और बताया गया कि आदित्य सूर्यन सूर्य की ओर पृथ्वी से L1 पॉइंट यानी कि सूरज से 5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, जो कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी का 1/5 हिस्सा है। आपको यह मालूम होगा कि सूर्य एक विशाल गैस का भयंकर गोल है, ऐसे में आदित्य L1 सूरज के आसपास के वातावरण को स्टडी करेगा। हालांकि यह भी बताया गया कि आदित्य L1 सूरज पर लैंडिंग नहीं करेगा और ना ही उसके बहुत करीब जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है सूरज बहुत ज्यादा गर्म है और ऐसे में आदित्य L1 सूरज के और पास जाता है तो उसके पहुंचने से पहले ही वह जलकर राख हो जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे पृथ्वी से 3.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 बिंदु का चुनाव किया है और यही सूर्यन को सफलतापूर्ण स्थापित किया जाएगा और फिर उसके बाद यह सूरज की स्टडी करेगा। लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 ने पावर जनरेट करना शुरू कर दिया था और सोलर पैनलों को भी ऑन कर दिया गया था, जिसके बाद इस मिशन में रेस को बढ़ाने के लिए पहले अर्थ बाउंड फायरिंग 3 सितंबर के लिए निर्धारित की गई थी। 3 तारीख को यह भी प्रक्रिया सफल हुई। 5 सितंबर को ABM हाफ टिकटों की प्रक्रिया भी सफल हुई। फिर 7 सितंबर को इसरो ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें बताया गया कि आदित्य ने सेल्फी ली है और इसके साथ ही इसने पृथ्वी और चांद की तस्वीर ली है। इस समय जो तस्वीर आप अपने मोबाइल फोन देख रहे हैं, इस तस्वीर को आदित्य L1 के हाई रेगुलर कैमरा के द्वारा क्लिक किया गया है, जिसमें हमारी पृथ्वी को साफ साफ देखा जा सकता है कि वह कैसे नीले रंग में दिखाई दे रही है, जिसमें दाएं तरफ हमारा प्यारा सा चंद्रमा भी दिखाई दे रहा होगा। यह वही चंद्रमा है जिस पर हमारे चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त के दिन लैंडिंग की थी। जबकि अपनी जगह को लगातार बदल रहा है और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसलिए यह है लगातार छोटा होता चला जा रहा है। अब इसी मिशन में इसरो ने एक और पड़ाव पूरा कर लिया है। दरअसल बेंगलुरु के ISTCIC से तीसरी RBT की भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसरो ने अभी तक कई कामयाबी हासिल की है और आज होने वाली इसरो में आदित्य को लेकर 2 वाई-ओन बैठक लगे और जो आज वैज्ञानिक करने वाले हैं वह कल देखने लायक होगा। तो मिलते हैं कल की एक शानदार वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।